श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज आपको पंजाब के एक अमीर घराने के लड़के के बैराग की कथा आपको सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले, जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर उनको मिलते रहें। संत शिरोमणि अनंत परमहंसी रामंगद दास जी महाराज द्वारा संकलित भक्त भगवान चरतावली से आज आपको पंजाब के एक लड़की की कहानी आपको सुनाता हूँ, जिसको बैराग हो गया। महाराज जी बताते थे कि जब वो 20 साल की उम्र में अवध में आया था, सरयू किनारे झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगा। महीना बैसाख का था। एक लोटा डोरी कटोरा, एक गज कपड़े की झोरी बना ली थी। उसमें कटोरा रख के मधुकरी मांग लाता था, थोड़ा एक बार में पाता था। दो टुकड़े कपड़े के पहनने में गांठी तक होते थे, चार लंगूठी थी, एक टुकड़ा बिछाने के कपड़ा था, तीन हाथ लंबा। पंजाब में किसी साधु से राम जानकी का मंत्र लिया था, जब बहुत करता था। अपने गुरु से कहा, हमें बाल राम के रूप का ध्यान बता दो। तो गुरु ने कहा, हम ध्यान नहीं जानते, तुम अवधपुरी जाओ, वहां बहुत साधु हैं, पूछना, शायद तुम्हारा काम हो जाए। वो सवेरे सरयू नहाकर जप करता, 11 बजे मधुकरी को जाता, दूसरे समय जन्मभूमि, जन्म स्थान, रतन सिंह आश्रम, कनक भवन आदि सब दर्शन करते हुए साधुओं से पूछता, तो कहते, हम जुगल सरकार के उपासक हैं, बाल भगवान के नहीं। एक दिन वह महाराज जी के पास आया, शायद किसी ने बताया हो या स्वतः आया। महाराज जी से कहा, तो महाराज जी ने कहा, जब बहुत ना करो, एक माला ब्रह्म गायत्री, 10 माला राम जी के, 5 माला महारानी जी के, 11 बजे शयन करो, 2 बजे उठो, स्नान करके अपना नेम करो, फिर ध्यान करो, किसी से कुछ ना कहना, जो देखना सुनना हमसे बताना, यहाँ यह मार्ग कोई नहीं जानता। फिर गया, नेम टेम से करने लगा। तीसरे दिन बाल राम प्रकट हो गए। ध्यान में आंखें बंद किए बैठा था तो भगवान ने उसके गाल चाट लिए, बस ध्यान टूट गया, भगवान गोद में बैठ गए। वह श्याम रूप परम सुहावन देखकर मस्त हो गया, उसके आंसू गिरने लगे। फिर एक घंटे बाद भगवान अंतर हो गए। 15 दिन भगवान ने बड़ा खेल किया, जो अलेख अकथ है। एक दिन उधर नहाने राम बालक दास बड़ी छावनी के गए, उसने उनको सब बता दिया। वे बोले, तुम रामायण का पाठ किया करो। फिर उसी दिन एक नामी साधु पंडित हैं, उनसे बता दिया, उन्होंने कहा, तुम राम मंत्र जपा करो। भगवान ने आना बंद कर दिया, हमारे पास आया, रोने लगा। हाल पूछा तो बताया। महाराज जी ने कहा, तुमसे कहा था किसी को ना बताना, तो कहा, मारे खुशी के हमसे रहाइश नहीं गई थी, हम नहीं जानते थे कि भगवान नाखुश हो जाएंगे। महाराज जी ने कहा, यह तब धन है, इसी की बदौलत भगवान के यहाँ पहुँच होती है। जो नाशवान धन है, संग नहीं जाता, उसे लोग छिपा कर रखते हैं, किसी से नहीं बताते। तो वह सुनकर रोने लगा। महाराज से कहा, हम चित्रकूट चले जाएं, शायद भगवान वहाँ मिल जाएं। महाराज ने कहा, हम रोकते नहीं हैं। हुआ गया, 15 दिन रहा, दुख में दुबला हो गया, सारा शरीर गीला पड़ गया। महाराज जी के पास वापस आया। महाराज जी ने नीम पर की गुस का काढ़ा बनाकर मिश्री छोड़कर दोनों समय एक एक चम्मच दिया। मूंग की दाल छिलकेदार पुराना चावल, गाय का घी, गाय का दही देना शुरू किया। 15 दिन में ठीक हो गया, परंतु भगवान का दुख उसे बहुत हो गया। 3 बजे रात को महाराज जी और दादा गुरु यानी बाबा बेनी माधव दास जी ध्यान बैठे थे,
गोस्वामी जी प्रकट हो गए, कहा उस लड़के को भगवान का विषय से शरीर जल रहा है, उससे घर भेज दो, कह दो जो नेम जब को जब का बताया है वो करे और मानस का पाठ मास परायण करे और सुबह जो स्तुति होती है भय प्रकट कपाला दीन दयाला वही स्तुति करे, शाम को श्री राम चंद्र कपाल भजन वही करे, मास परायण दो माह करके वही ध्यान सूरति सब का शुरू कर दे, फिर भगवान आ जाएंगे। महाराज जी ने उसे 50 रुपये दिए और घर भेज दिया। वहां जाकर वो सब शुरू कर दिया। उसके पिता बड़े खुश हुए, बोले भैया हमने कहा था यही भजन करो, बहुत बड़ा मकान है, सैकड़ों आदमी रह सकते हैं, तुम्हारा अन्न जल रहा जाना पड़ा, अच्छा हुआ जो अच्छे भक्त की संगति भगवान ने दिला दी। पत्र उसके पिता का बड़ी दीनता का था। फिर 2 माह बाद लड़के का पत्र आया, जो गोस्वामी जी ने कहा था भगवान प्रकट होकर लड़के को खुशी दे दी, रोज बाल खेल दिखाने लगे। जब लड़के को यहाँ से भेजा था तब वहाँ उसने सब हाल बताया था, तो पिता ने 100 रुपये हमारे पास मतलब महाराज जी के पास भेजा। तब महाराज जी रामघाट पर रहा करते थे। भाइयों बहनों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।